Hey there, welcome to another video of Motivational Medico episode 6. Have you ever suffered from any disease? अब आप सोचना कि उस वक्त आपके दिमाग की क्या हालत थी। आप थक जाते हैं, आप हार जाते हैं, कई बार आप होप छोड़ देते हैं और कई बार लोग जीना ही छोड़ देते हैं, बॉडी से नहीं लेकिन दिमाग से। क्या आपको पता है कि एवरी ईयर 80,000 डेथ होती है क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से। क्या आपको नोसोफोबिया पता है? नोसोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हैविंग अ इलनेस और फियर ऑफ हैविंग अ सीवियर डिजीज। टॉम जो कि 47 ईयर ओल्ड थे, उनको लगता था कि उन्हें कैंसर है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा और उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब आप सोचिए कि आपको आज ही पता दे कि आपको लास्ट स्टेज सीवियर कैंसर है, तो आप आधे तो वो लाइन सुनकर ही मर जाएंगे और फिर फाइट करने की बजाय आप होप छोड़ देंगे और कई बार जीना ही छोड़ देंगे। लेकिन मैं इस सीरीज़ के थ्रू कुछ अनटोल्ड स्टोरी को बताऊंगा, जिसमें पेशेंट ने एक्सट्रीम ताकत दिखाकर रिकवर किया है। और आज की स्टोरी है आयशा चौधरी की। हालांकि इस पर मूवी भी बनी गई है और बुक्स भी लिखी गई है, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्टली बताऊँगा। आयशा का जो जन्म हुआ था वो SCID को लेकर हुआ था, उसको बोलते हैं सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नॉर्मल लोगों के अंदर इम्यूनिटी होती है जो डिसीज से फाइट करती है, लेकिन आयशा के अंदर इम्यूनिटी नहीं थी। उसके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं वो ऑर्गन्स छोटे थे या तो फिर नहीं थे, टी सेल भी नहीं थे, बी सेल भी नहीं थे। और इसके चलते जो पेशेंट है उनको अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना दिया जाए तो वो एक साल की उम्र में ही मर जाते हैं। उन पेशेंट्स को अगर कॉमन कोल्ड सर्दी भी लग जाए तो वो लोग जिंदा नहीं बच पाते। इसके चलते उसके मॉम एंड डैड ने एक रिस्क लिया और 6 मंथ की एज पर आयशा का फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया। थोड़े वक्त तक लाइफ सही जा रही थी, सब कुछ सही था, बिल्कुल अच्छे से जा रहा था। और 13 साल की उम्र में उसका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट था वो बैकफायर कर गया और आयशा को लग गया पल्मोनरी फाइब्रोसिस। एक लंग की बीमारी होती है जिसमें कि उसके लंग की जो कैपेसिटी थी वो 75% कम हो गई थी, यानी अब उसके लंग सिर्फ 35% ही काम कर रहे थे। लेकिन वो तब भी नहीं हारी, उसने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का सोचा और जगह जगह जाके उसने अपने मोटिवेशनल स्पीचेस दी और लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया। 15 ईयर की एज पर उसने पोर्टेबल ऑक्सीजन को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि 35% कैपेसिटी के साथ लंग प्रॉपर वर्क नहीं करते, बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। अब मोटिवेशनल स्पीचेस देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसीलिए डॉक्टर्स ने उनको वार्न किया कि अगर उसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लग गया तो वो ज़्यादा नहीं जी पाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और ये भी उसे पता ही था कि अब वो ज़्यादा नहीं जिएगी, करीब 5 या 6 साल ही जीने वाली है। इतनी सारी मुश्किलें, इतना सफ़र करना, इतनी सारी तकलीफें, अगर आप और मैं होते तो शायद हम बेड से ही बाहर नहीं जाते। लेकिन वो क्या सोचती है, इफ़ डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रूथ ना, वट विच थिंग्स दैट रियली मैटर इन अवर लाइफ इज बींग हैप्पी। अब उसने पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया और उसकी मॉम भी अब बिना डरे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने में जुट गई और उसकी मॉम ने उसे पूरी दुनिया घुमा ली। और लास्ट का जो टाइम था उसने एक बुक भी लिख डाली और पब्लिश भी कर डाली और करीब करीब 18 की उम्र में उसने आखिरी सांस ली। लेकिन 18 साल इतने कम वक्त में इतना सफ़र करने के बावजूद भी उसने उसकी लाइफ को एंजॉय किया, उसने सारे अपने ड्रीम्स पूरे किए। द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस स्टोरी इज लीव द लाइफ टू द फुलेस्ट, चाहे कैसी भी हो, बिकॉज इट्स द ओनली हैपन्स वंस। मैं कई बार हॉस्पिटल में जाता हूँ और देखता हूँ तो जो लोग बहुत डिजीज से परेशान होते हैं वो हार जाते हैं, वो होप छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर देते हैं। हम दिमाग से ऐसा सोचते हैं दैट दिस थिंग विल किल मी, और अगर एक बार दिमाग ठान लेता है तो फिर बॉडी साथ नहीं देता है। और अगर हम सही में फाइट करने की चाहत रखें तो हम ज़रूर फाइट कर सकते हैं।
सो दैट्स द टुडे शॉर्ट वीडियो. और ऐसी ही और स्टोरीज आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. एंड फॉर द फ्यूचर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, और भी वीडियोस चाहिए, और भी नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन.